ब्रेकवाल का स्वागत है। दुनिया की अर्थव्यवस्था के मुकाबले आज भी भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024-25 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर करने का जो लक्ष्य रखा है उसे हम सब मिलकर हासिल कर लेंगे। हम इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ये बात केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री एवं कॉर्पोरेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। इससे पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली से कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट पहुंचने पर समर्थकों ने अनुराग ठाकुर का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दुनिया की अर्थव्यवस्था के मुकाबले आज भी भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024-25 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर करने का जो लक्ष्य रखा है उसे हम सब मिलकर हासिल कर लेंगे। हम इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ये बात केंद्र सरकार के वित्त राज्य एवं कॉर्पोरेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। इससे पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली से कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचने पर समर्थकों ने अनुराग ठाकुर का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अनुराग ठाकुर 4 दिवसीय दौरे पर हिमाचल पहुंचे हैं। इस दौरान वे कई जगहों पर जनसभाएं करेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार प्रदेश को हर संभव वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को 13वें वित्त आयोग की अपेक्षा 14वें वित्त आयोग में अधिक धनराशि उपलब्ध करवाई है और कुछ ही दिनों में 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट सरकार को मिल जाएगी और उसके अनुसार उचित वित्तीय सहायता प्रदेश सरकार को उपलब्ध करवाई जाएगी। मैं सबसे पहले तो सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज समय निकालकर यहाँ मिलने भी आए, स्वागत भी किया। जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है, अगर आप देखें 14वें वित्त आयोग में 13वें वित्त आयोग के मुकाबले कई गुना ज़्यादा पैसा हिमाचल प्रदेश को दिया है। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भी भविष्य में आने वाली है और जब रिपोर्ट आएगी तो आपको उसकी सारी जानकारी भी मिलेगी। जहाँ तक हिमाचल सरकार को केंद्र के सहयोग की बात है, माननीय मोदी जी ने सदा हिमाचल को अपना दूसरा घर माना है और सहायता पिछले 5 साल की टर्म में भी की, चाहे उस समय पहले कांग्रेस की सरकार थी या भाजपा की सरकार है। और अब भी जो भी सहायता केंद्र सरकार की ओर से संभव होगी वो हिमाचल प्रदेश को दी जाएगी। हाल ही में जो बाढ़ से नुकसान भी हुआ है उस पर भी केंद्र की टीम दौरा करके उसकी जब रिपोर्ट सौंपेगी तो उचित सहायता केंद्र सरकार के माध्यम से। सर, देश में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, सर बताया जाए कि वित्तीय स्थिति भी थोड़ी खराब हो रही, डॉलर कम होता जा रहा है। आज भी अगर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को देखें तो भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह से मोदी जी ने 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी 2024-25 तक भारत को बनाने का संकल्प लिया है, हम सब लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सेशन खत्म होने के बाद, संसद सत्र खत्म होने के बाद हमने अलग अलग सेक्टर के लोगों से मिले, इंडस्ट्री वालों से, फाइनेंस वालों से, इंस्टीट्यूशन से, सबसे मिले और जो जो कदम हमें उठाने थे उसकी पहली घोषणा हमने कुछ दिन पहले की है और अगली 2 घोषणाएं हम अगले कुछ दिनों में करने वाले हैं। और आप देखिए पिछली घोषणा से जो एक व्यापार वर्ग में, व्यापारियों में हो, उद्योगपतियों में हो, समाज में हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हो, इनमें एक बहुत बड़ा संदेश क्या है कि मोदी सरकार सुनती भी है और कदम उठाकर देश को आगे बढ़ाने का प्रयास भी करती है। कल भी मैं गुवाहाटी में था, उससे 2 दिन पहले हम पुणे में थे, तो हम इंडस्ट्री से भी मिल रहे हैं, इनकम टैक्स, एक्साइज और हमारे जो कस्टम्स, GST, इन सबके अधिकारियों से मिल रहे हैं। और एक बात हमने स्पष्ट की है सभी अधिकारियों को कि जो देश के लिए संसाधन खड़े करते हैं, जो वेल्थ क्रिएटर हैं, जिनके कारण देश को टैक्स भी इकट्ठा होता है, उनके खिलाफ कोई भी अधिकारी
गलत कार्रवाई नहीं करें, उनको अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा और उनको फैसिलिटेट करने का काम करना है, रेगुलेट करने का काम करना है, मोटिवेट करने का काम करना है। और ये पूरा हम ऊपर से लेकर नीचे तक संदेश दे रहे हैं। 5 अलग अलग जोन्स राज्यों में हमने बैठकें की हैं, चाहे अहमदाबाद हो, बनारस हो, पुणे हो, गुवाहाटी हो, इन सब में हम गए और अगले 7 स्थानों पर अगले कुछ दिनों में जाएंगे। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार निर्णय भी कर रही है और जनता की सुनकर उस पर काम कर रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हाल ही में भारी बारिश के चलते प्रदेश को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र की टीम नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद प्रदेश को हर संभव सहायता उपलब्ध करवा दी जाएगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य शुरू करने को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि सीयू का मॉडल बनाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है और 20 दिनों के अंदर एजेंसी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। उन्होंने कहा कि लगभग 350 से 400 करोड़ रुपए अगले महीने तक केंद्र सरकार उपलब्ध करवा देगी ताकि सीयू का निर्माण कार्य शुरू हो सके। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर इस साल के अंत तक बड़ी खुशखबरी प्रदेश को देंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी उन्होंने कांगड़ा एयरपोर्ट में एयरलाइंस शुरू करवाई है और जल्द ही वाइडर बॉडी एयरक्राफ्ट कांगड़ा में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के लिए बड़ी घोषणाएं आने वाले महीनों में सरकार करेगी, जिससे पर्यटन को और अधिक लाभ पहुँचेगा। इसके बारे में क्या कहना आपका? सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो मॉडल है उसको बनाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 20 दिन के अंदर एजेंसी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और लगभग 350 से 400 करोड़ रुपया सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अगले महीने हम उपलब्ध करवाएंगे ताकि उस पर काम शुरू हो सके। और मुझे आज भी याद है जब 2005 में पाकिस्तान की टीम यहां पर खेलने आई और बोर्ड प्रेसिडेंट 11 की टीम खेलने आई तो 18 सीट का डॉनियर एयरक्राफ्ट यहां पर उतरता था। और आप देखें जब से हमने धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम बनाया उसके कारण यहां पर टूरिज्म को बढ़ावा मिला, नए और बड़े होटल्स भी आए, एयरलाइंस को भी हमने व्यक्तिगत रूप से शुरू किया। अजय सिंह जी से, स्पाइस जेट वाले से मैंने बात करके एक नहीं दो एयरलाइंस यहाँ पर शुरू करवाई, एयर इंडिया के दो एयरक्राफ्ट शुरू करवाए। सर आप विश्वास मानिए जिस स्थान पर हिमाचल की जनता ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है मोदी जी के नेतृत्व में, मैं यही कहूंगा इस साल के अंत तक धर्मशाला एयरपोर्ट के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम देंगे ताकि आने वाला समय धर्मशाला के लिए और पूरे हिमाचल के लिए इतना बड़ा हो कि इस एयरपोर्ट का विस्तार सुनिश्चित होगा, वाइडर बॉडी एयरक्राफ्ट जो हैं वो यहाँ पर उतरने शुरू होंगे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या धर्मशाला का एयरपोर्ट हो, इन दोनों के लिए बड़ी घोषणाएं आने वाले महीनों में आपके सामने हो जाएगी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में निवेश बढ़े इसके लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और नवम्बर महीने में धर्मशाला में इन्वेस्टर मीट आयोजित होने जा रही है। उन्हें उम्मीद है कि धर्मशाला की खूबसूरती व्यवसायियों को आकर्षित करेगी और प्रदेश में बड़े स्तर पर व्यवसायी निवेश करेंगे, जिससे हिमाचल के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। हिमाचल में निवेश बढ़े, हिमाचल की सरकार उसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है और उसके लिए जब नवंबर में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए देश के और विदेश के उद्योगपति आएंगे तब हम चाहते हैं कि धर्मशाला का ये जो सौंदर्य है, ये जो खूबसूरती है, ये उनको आकर्षित भी करे और हिमाचल सरकार भी ऐसे मॉडल्स उनके सामने रखें कि लोग उससे आकर्षित होकर बिजनेस वायबिलिटी को देखकर यहाँ पर अपने उद्योग लगाएं और हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट करें।